Hello everyone, hope you are fine. Nice to see you back again in Rendezvous with English. Hope you are fine, hope you are nice, hope you have been doing well. आशा करता हूँ कि आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ. Yesterday we were talking about synthesis of simple sentences. We have completed all the parts of simple sentences, all the kinds of simple sentences. आज हम कंपाउंड सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. मैंने कल बताया भी था कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं. आशा करता हूं आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में समझ में आया था कल. लेकिन हम फिर भी एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन देंगे. कल मैंने आपको दो शब्द भी बताए थे. आई होप यू हैव लर्न दोज टू वर्ड्स. ओके, सो वोकैबुलरी पर कॉन्सेंट्रेट करिए, उनको एसोसिएट करिए. आई एम ऑलरेडी गिविंग यू एग्जाम्पल्स हाउ टू एसोसिएट द वर्ड्स. मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि कैसे एसोसिएट करना है वर्ड्स को लर्न करने के लिए. बिकॉज इफ यू डू नॉट एसोसिएट द मेमरी डू नॉट रिटेन इट. ओके, पुश योरसेल्फ बिकॉज नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. आप ही खुद करेंगे. Go to the limit and then only you can do whatever you want. And mind you, ki bahut sara time lagta hai successful banne mein. So compound sentence se shuruaat karte hain. Theek hai? Kya ek baar fir se bata do? Compound sentences wo hote hain jinme do independent clauses hote hain. Ek sentence likh kar bata deta hu. He is good looking and is a sincere fellow. ठीक है, तो he is good looking is one sentence. यहां पर he hidden है क्योंकि subject same है. Excuse me. He is good looking and is a sincere fellow. So he is good looking is one sentence and he is a sincere fellow is another sentence. तो जब कोई भी दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होते हैं अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं. तो लेट्स डिस्कस द जॉइनिंग ऑफ द कंपाउंड सेंटेंसेस विद द फर्स्ट काइंड. कैसे जॉइन करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस को? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेंटेंसेस विच हैव इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. ठीक है, मोस्टली ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन किए जाते हैं. हाँ, कंजंक्शन से क्यों? मोस्टली सभी लोग यही बताते हैं कि ये सेंटेंसेस कंजंक्शन से ज्वाइन किए जाते हैं. तो कंजंक्शन इसलिए क्योंकि ये सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं. जब हम सिंपल सेंटेंसेस ज्वाइन कर रहे थे तो हमें उसमें सेंटेंसेस में चेंजेस करने थे. वी हैड टू मेक सर्टेन चेंजेस इन द सेंटेंस. बट हियर वी आर नॉट सपोज टू मेक एनी चेंजेस इन द सेंटेंस. रादर वी आर जस्ट सपोज टू एड कंजंक्शंस. A little bit of tweaking. Tweaking means change. Okay? Tweak is a word. Yaad kar lijiye. Tweak ka matlab hota hai change. Little bit of tweaking is necessary in the sentence. So, pehle jo kind hai, wo kya hai? Cumulative conjunctions. Theek hai? Cumulative. Excuse me. क्यूमुलेटिव को कोपुलेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है साथ में, टुगेदर. ओके, क्यूमुलेटिव में कौन कौन सी कंजंक्शंस यूज की जाती हैं? एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, कुछ कंजंक्शंस हैं ऑल्सो, देन इनका इस्तेमाल करते हैं. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जब सिंपली दो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको ज्वाइन करना है, एक ही तरीके के सेंटेंस हैं. ठीक है, द सेंटेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरीके के हैं. किसी में क्वालिटी दी हुई है, किसी में दो तरीके के एक्शंस दिए हुए हैं सेम सिमिलर काइंड्स के, तो उन सेंटेंसेस को हम किससे ज्वाइन करेंगे? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे. पहला सेंटेंस देख लेते हैं. शी इज अ गिटारिस्ट. पसंद है किसी को गिटार प्ले करना? गिटार प्ले करने के लिए, सीखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. छोटे शहरों में ये एक अभाव रहता है. आई वॉज रियली वेरी वेरी इंक्लाइंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग गिटार. आई वॉन्टेड टू बी अ गिटारिस्ट. बट मेरे यहाँ, क्योंकि मैं छोटे शहर से बिलोंग करता था, देखिए कितनी लिमिटेशंस होती हैं
when we live in a small city, and that is why I keep stressing upon right from the word go. ये idiom है, right from the word go means from the very beginning. मैं हमेशा ये emphasize कर रहा हूँ कि हमको प्रयत्नरत रहना चाहिए, because otherwise chances already छोटे शहरों में बच्चों के लिए कम होती हैं. I have gone through that phase of life where जब मैं 10th class में था तो 12th में मैं साइंस नहीं लेना चाहता था. मुझे साइंस नहीं समझ में आती थी, बायो और मैथ्स दोनों ही नहीं समझ में आती थी. आई वॉज टोटली डिसइंटरेस्टेड, टोटली डिसइंक्लाइंड, वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन साइंस, इन मैथ्स और बायोलॉजी. लेकिन मुझको मजबूरी वश बायोलॉजी लेनी पड़ी 12th क्लास में, इंटरमीडिएट में, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. आई वॉन्टेड टू स्टडी इंग्लिश मीडियम, नॉट हिंदी मीडियम, एंड देयर वर नो अदर सब्जेक्ट्स. सो आई वॉज फोर्सफुल टू स्टडी साइंस और बायोलॉजी. इसलिए आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा फोकस करिए जो भी कर रहे हैं, और अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करिए. बाय 10th, by passing out class 10th, you should be very very particular and you should be very very clear. That's the advice of the day, that you should be very very clear, very very particular about the choice of your subject. If not by 10th, if then definitely 100% without any doubt, you have to be 100% sure about what you are going to pursue after class 12, because that is going to shape up your future. वही आपका करियर बनाने वाला है. अगर 12 तक भी आप इंडिसिसिव हैं, आप पेरेंट्स पर निर्भर करते हैं, जो कि छोटे शहरों में हम अभी भी देखते हैं, बच्चे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेते हैं, उन पर डिसीजन थोप दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए. आप अपनी कैपेबिलिटी को, क्षमता को डिसाइड कर लीजिए, नाप लीजिए, तौल लीजिए कि आप कितने काबिल हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्या आपको गणित समझ में आ रही है, आर यू गुड फॉर कॉमर्स, आर यू गुड फॉर मैथ्स, और यू आर गुड फॉर सम अदर सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ऑल दैट. तो याद रखिए, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना सीखिए और पेरेंट्स से डिस्कस करिए. बी बोल्ड, बी सैसी, एंड डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. शी इज अ गिटारिस्ट, शी इज अ सिंगर. ठीक, अब एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज दी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, शी इज अ गिटारिस्ट एज वेल एज अ सिंगर. ठीक है, इसको सेंटेंस को और लिख सकते हैं, शी इज अ गिटारिस्ट एंड इज अ सिंगर. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. जब एज वेल एज यूज करते हैं तो सेंटेंस यहां से शुरू माना जाएगा, शी इज अ सिंगर. जब हम एंड यूज करते हैं तो एंड के बाद सब्जेक्ट दोबारा कंसीडर किया जाता है, इसलिए वर्ब का होना जरूरी है. इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं किया है, वर्ब का यूज किया है. इस तरीके से सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे. दो इन्फॉर्मेशन, ये एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर दो सब्जेक्ट भी दिए होंगे तो भी हम सिंपली कंजंक्शंस को यूज करके और सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे. देखते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट वन. जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, इसका नाम दे लें, कोई क्रिकेटर का नाम दे लें. कल से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, इन टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल शुरू हो रहा है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. गुड लक टू इंडिया, फॉर टीम इंडिया. आई विश इंडियन टीम विंस दिस टेस्ट चैंपियनशिप. आफ्टर ऑल आई एम एन एविड वॉचर ऑफ टेस्ट मैचेस, नॉट द वन डेज एंड द टी20. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, इज़न्ट इट. पीयूष चावला का नाम तो सुना ही होगा, पीयूष चावला इज अ गुड स्पिनर. मोहम्मद शामी इज अ गुड बॉलर. ठीक हो गया, तो अब इन दोनों को सिंपली ज्वाइन करना है. दो अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो हम इनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल.
Piyush Chawla is a good spinner and Mohammad Shami is a good bowler. ठीक है, तो क्या किया हमने, simply sentences को join कर दिया. Piyush Chawla is a good spinner and Mohammad Shami is a good bowler. तो क्योंकि दो अलग अलग subjects थे and both two qualities of the two different subjects have been conveyed here, so we simply join them using the conjunction and. तो आपको समझ में आया, cumulative conjunctions या कोपलेटिव कंजंक्शंस भी इनको बोला जाता है, जो चीजों को, सेंटेंसेस को, सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलती हैं, तो उनमें सिंपली हम कंजंक्शंस का यूज कर लेंगे और ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में अगर एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज भी होंगी, तो जैसे मान लो दिया होता Piyush Chawla इज अ गुड स्पिनर, Piyush Chawla इज अ गुड good batsman too. So लिखते हैं, not only Piyush Chawla is a good spinner but also a good bowler. क्योंकि एक ही person की दो qualities, या एक positive action या negative action, इस तरीके की जो sentences होते हैं वहां पर not only but also का use करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं next kind of conjunctions जो कि alternative conjunctions. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं? ऑल्टरनेट से क्या मतलब आप समझते हैं? ऑल्टरनेट का मतलब जहां पर चॉइस हो, है ना, एक की जगह दो, दो की जगह तीन, व्हेन यू हैव चॉइस दैट इज ऑल्टरनेट. तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? और हुआ. ठीक है, अदरवाइज जो कंजंक्शंस ऑप्शंस देती हैं, ईदर और, नीदर नॉर. ठीक है, else, ये हैं alternative conjunctions. ठीक, अब इन sentences को बताने से पहले क्या बताना है आपको, इन sentences को बताने से पहले आज की tip क्या है? Any guesses? मैं रोज मैंने कहा है मैं आपको tip बताऊंगा. So what is the tip of the day? The tip of the day is that in English, consider my point, in English, when you are writing sentences, अभी हम synthesis ही कर रहे हैं, उसी से link है tip. When you are writing sentences, when you are writing paragraphs, when you are doing essay writing, हम essay writing भी cover करेंगे grammar section में, क्योंकि मैंने ये पाया है कि बच्चे ऐसे नहीं लिख पाते हैं, उनके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है, कैसे बिल्डअप किया जाए. और सेल्डम मैंने देखा है कि क्लासेस में ऐसे राइटिंग समझाई जाती है कि कैसे लिखना है, बस टॉपिक दे दिया जाता है, दिस इज ऐसे राइटिंग, या हमको बता दिया जाता है यू लर्न ऐसे, ये टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर कर लो, दिस इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम. बट वी आर गोइंग टू do this topic essay writing also, how you can be creative, how you can develop the writing skills of essay. ठीक है, उसको भी हम देखेंगे अपने अगले एपिसोड्स में. तो टिप ये है कि जब आप इस तरीके के पैराग्राफ्स लिख रहे हैं essay writing and all that, तो दो या तीन sentences maximum join करके लिखिए, don't write very long sentences. बहुत रॉन्ग सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेट करते हैं मीनिंग को. ठीक है, इसलिए शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू वांट टू स्पीक. जो आप बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसमें मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, वरना लिखने की तो कैपेबिलिटी पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है. अगर आप मुझसे कहिए मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक लाइन में पूरा ऐसे या पूरा लेटर राइटिंग लिख सकता हूँ बिना फुल स्टॉप लगाए, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. ओके, वो सही तरीका नहीं होता है. तो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस के सेंटेंसेस देख लेते हैं. Thank you.
और किसी भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का कोई तरीका नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये आपको बताने के लिए इनको कंजंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किन्हीं दो सेंटेंसेस को इन्हीं कंजंक्शन से, वेदर यू हैव टू रूल अल्टरनेटिव ओनली, वेदर यू हैव टू यूज क्यूमुलेटिव ओनली, या आपको एडवर्सेटिव ही या इलेटिव भी ही यूज करनी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शी इज बेकिंग केक, हर सिस्टर इज बेकिंग केक, तो हम इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल, She is baking cake or her sister, और लगा लेते हैं यहां पर, मिसिंग हो गया है, sister is baking a cake, ठीक है, तो ऑप्शन सिंपल, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस है, she is baking a cake और her sister is baking a cake, ठीक है, यहां पर इधर लगा लीजिए, either she is baking cake और her sister is baking cake, Neither she, जब negative sentence होगा तो neither not हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी एक sentence देख लेते हैं, in the case of negative one, Aman has not broken the vase, vase means गुलदस्ता, फूलों का, इसमें pot भी होता है, His friend has not broken it either. ठीक है, तो लिखा हुआ अमन ने तोड़ा नहीं है, उसके फ्रेंड ने भी तोड़ा नहीं है, तो हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, नीदर नॉट से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, नीदर अमन has broken, क्योंकि नॉट लगा हुआ था ऑलरेडी, तो नीदर में चेंज कर लिया, नीदर अमन has broken the vase. Nor his friend, अब आप friend पर भी खत्म कर सकते हैं और या पे पूरा sentence लिख लीजिए, क्योंकि अगर जब same चीज, अगर same subject, sorry, same verb repeat हो रही है तो आपको उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये word either conjunction जो है वो दोबारा नहीं लिखी जाएगी क्योंकि neither और nor का हम use already कर चुके हैं, ठीक है, समझ में आया, तो किस तरीके से हम alternative conjunctions का use करेंगे, alternative conjunctions जहां पर choice दी होगी sentences में वहां पर आप use कर सकते हैं, ठीक है, I hope you have understood, अब आज के words of the day जो मैंने promise किए हैं आपको दो words जरूर सिखाऊंगा, ठीक है, तो पहला word है आज का B-O-U-R-G-E-O-I-S, इसका pronunciation है bourgeois, pronunciation क्या है bourgeois, इसका meaning होता है belonging to middle class, ठीक है, belonging to middle class लोगों से संबंधित, bourgeois, bourgeois, ठीक है, सेकेंड वर्ड है जो सभी का फेवरेट होगा, इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्यूफ्यू, क्यूफ्यू इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब होता है हेयर स्टाइल, आजकल तो भाई हेयर स्टाइलिंग का शौक है सब लोगों को, बॉयज स्पेशली अलग अलग हेयर स्टाइल लगते हैं, दे आर इंस्पायर्ड बाय फुटबॉलर्स, इधर से कट उधर से कट, यूं बड़े हुए हैं एंड ऑल दैट, और पुराने लोग जो है उनको क्या कहते थे, ज़ेई के बाल हैं, ये क्या करा लाए, जोकर बनकर चले आए, एंड वी वर आल्सो क्रिटिसाइज, हम भी उसमें हैं, हमने भी वो क्रिटिसिज्म फेस किया है जब हम हेयर कटिंग करा कराते थे और पापा की निगाहें, मम्मी की निगाहें हमारे ऊपर थी, अरे ये कैसे करा बाल करा लिए, ये क्या चूहे जैसे बाल करा लाए, वी हैव आल्सो फेस्ड सच काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूफ्यू, दैट इज हेयर स्टाइल, बूर्जुआ इज बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, ठीक है, तो ये आज के दो वर्ड्स थे, आशा है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट टुडे, कीप लर्निंग लाइक दैट, अच्छे से लर्न करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, आई विल ट्राई टू गिव सम अदर फैक्ट्स आल्सो, बट
never, never, never give up. This was said by Winston Churchill. ठीक है, famous president थे United States of America के, उन्होंने एक बार कहा था never, never, never give up. तो कभी भी give up नहीं करना चाहिए. Hope you enjoyed the class. I am really, really delightful to all my friends and relatives who have cooperated me, who have given me innumerable suggestions, and I am working upon improvising the classes. और हमेशा प्रयत्न रखूं कि अच्छे से अच्छा आपको दे सकूं. Thank you very much. Do remember to like, subscribe and share. If you feel my content is worthy, if you feel you are benefited at even 10%. अगर आपको 10% भी फायदा हुआ है तो like, subscribe और share करें. Thank you very much. Have a good day. Have a good time. Bye. See you tomorrow.